अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ है। चैप्टर नंबर फोर का लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक चीज़ का इजाफा कर लें जो पिछले लेक्चर में मिस हो गई थी, वो ये है कि आपने ग्लू देखे होंगे, पेंट्स भी देखे होंगे, ग्लू भी देखे होंगे, पेंट्स भी देखे होंगे, और सोचते होंगे किसी भी सरफेस पे ये किस तरह से चिपक जाता है या स्टिक हो जाता है। उसमें भी वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शामिल हाल होती हैं, वही उसमें मसरूफ़ होती हैं, वही वजह होती हैं, वही काज होती हैं कि कोई भी ग्लू या पेंट या और कोई चीज़ वो उसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसमें एक कंपाउंड जो हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं इपॉक्सी रेजिन्स या इपॉक्सी एडहेसिव्स। इपॉक्सी रेजिन्स और इपॉक्सी एडहेसिव्स, इनमें क्या होता है? इनमें दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है पार्शली पॉजिटिव और ऑक्सीजन होता है पार्शली नेगेटिव। दोनों चीज़ें होंगी और दोनों चीज़ें ही एक दूसरे के साथ बाइंड होंगी और सरफेस पे मौजूद जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगा उसके साथ बाइंड हो जाएंगी। बाइंडिंग के नतीजे में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो जाएगी दोनों के दरमियान और उसके नतीजे में पेंट या ग्लू या और भी कोई चीज़, वो वुड है आपका, कार है, कोई भी आयरन है या एनी अदर थिंग, आपका टेबल है, चेयर है, उसके ऊपर वो स्टिक हो जाएगी और वो पेंट उसके ऊपर कायम रहेगा। ये तो था लास्ट लेक्चर का कुछ इजाफा। आज हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया गया है। कोवलेंट बॉन्ड को हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम आयोनिक बॉन्ड की डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्ड बनता क्यों है? लास्ट टाइम भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। दो आपके पास आयंस हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुराद के दो चार्जेस हैं, चार्जेस उसमें शामिल हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहे हैं। तो वो आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड होते किस तरह से हैं, कि वो जुड़े क्यों रह जाते हैं? आयोनिक कंपाउंड के बारे में आपने देखा होगा कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल शेप में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड आपके पास है, जो आपके पास घर में नमक होता है या टेबल साल्ट जिसे हम कहते हैं, वो सोडियम क्लोराइड है। वो इतना हार्ड क्यों होता है? वो हार्ड जनाब इसलिए होता है, सेम फिनोमिना इसमें भी, जिस तरह से हमने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में, इसमें भी एक सोडियम होगा। देखिए एक सोडियम है, ठीक है, ये छः क्लोरीन एटम्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। कितने? छः। देखिए एक इस तरफ होगा, 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 टोटल छः इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे कॉन्टीन्यूसली। उसके नतीजे में क्या होगा? ये इंतहाई स्ट्रिक्ट होगा, स्टिक होगा एक जगह पे। इसी तरह से एक क्लोरीन को आठ सोडियम अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और इसका जो फिर स्ट्रक्चर बनेगा वो क्यूबिक शेप में बन जाएगा।
इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। एक दरमियान में सोडियम है, बाकी क्लोरीन है। एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है, क्यूबिक शेप में इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसी तरह से सीजियम क्लोराइड है हमारे पास एक कंपाउंड, सीजियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम को छः क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहे थे और एक क्लोरीन को छः सोडियम अट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। होगा इसी तरह से ही, उसके गिर्द उन्होंने दायरा लगाया होगा, उसको जकड़ा हुआ होगा, उसको फंसाया हुआ होगा सीजियम को क्लोरीन एटम्स ने। इसमें क्या होगा, एक सीजियम जो है इसके गिर्द आठ क्लोरीन होंगे, कितने, आठ क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, किधर, इधर और इधर, इस तरह से आठ क्लोरीन इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसका भी जो शेप है वो क्यूबिक शेप ही बन जाएगी। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इतना ज़्यादा इसलिए होगा कि सोडियम को बहुत से क्लोरीन एटम ने अट्रैक्ट किया हुआ है, अपनी तरफ खींचा हुआ है, उसको फंसाया हुआ है। आप गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो ये आसानी के साथ एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, इनको देर लगेगी। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मेल्ट होना वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। लेकिन जब आप इसे मेल्ट कर लेंगे, जब आप इसे मेल्ट कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, बिजली गुजर जाएगी। बिजली क्यों गुजर जाएगी, जब ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट स्टेट में ये फ्री आयंस की सूरत में आ जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अलग अलग, सोडियम अलग होगा, क्लोरीन अलग होगा, उसकी शेप वो नहीं रहेगी जो कि है। उसके नतीजे में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो करंट है वो सोडियम के ज़रिए चलेगा और कुछ करंट जो है वो क्लोरीन के ज़रिए चलेगा। जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्लोरीन उसकी तरफ चला जाएगा, और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा वो सोडियम को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसीलिए मोल्टन स्टेट जो साल्ट्स की होती है उसमें से करंट पास हो जाता है। इसी तरह से अगर आप इन साल्ट्स का सॉल्यूशन बना लें, सॉल्यूशन बना लें, आपके पास एक बीकर है, वाटर है, और इसमें आपने साल्ट का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, साल्ट का सॉल्यूशन बना लिया। जब आप सॉल्यूशन बना लेंगे उसमें भी सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। मैं ये लिख देता हूँ, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। आप इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दें, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए आपने, आपने इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक साइड से जोड़ा है, दूसरी साइड से नहीं जोड़ा, मिला दें आप, बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा के जोड़ दिया। होना तो ये चाहिए कि इसमें से करंट ना गुजरे, लेकिन जो इसमें आयंस हैं, फ्री आयंस हैं, उसकी वजह से करंट गुजरना शुरू कर देगा। कैसे, अगर इस कैथोड, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, क्लोरीन जितने भी होंगे वो इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे और सोडियम जितने भी होंगे वो इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और इस वजह से करंट इसके अंदर गुजरता रहेगा। इसीलिए जो आपका वाटर है, जो आप
पानी इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसमें बहुत से आयंस होते हैं, और जब आप गीले होते हैं या बारिश आती है तो पानी में भी करंट आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है कि उसके अंदर आयंस होते हैं, कुदरती तौर पे उसके अंदर आयंस होते हैं। अगर आप उन आयंस को रिमूव कर दें, वाटर बिल्कुल प्योर हो, 1.00001% भी उसके अंदर आयंस ना हो, तो उसके अंदर से करंट पास ऑन नहीं हो सकता। ये तो था आज का लेक्चर, जो प्रॉपर्टीज़ और नेचर के बारे में था बॉन्डिंग की, पर्टिकुलरली आयनिक बॉन्ड की। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दूंगा। अगर ना हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक्स अ लॉट।